ये सही बात है कि रेमडेसिविर, टॉसिलोजुमैब जैसे इंजेक्शंस मिल नहीं रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर्स जो है वो डायरेक्टली अपनी दुकान के ऊपर ये नहीं बेच रहे हैं, बल्कि किसी एजेंट को, किसी दलाल के पास वो इंजेक्शन दिया जाता है, वो ज़रूरतमंद को ढूंढता है, फ़ोन के ऊपर बातचीत होती है, अब किसी ऐसे जगह के ऊपर, रोड के ऊपर बुलाया जाता है, वो भी मोटरसाइकिल पे आता है, ग्राहक को भी मोटरसाइकिल पे आने के लिए बुला जाता है, बस अब चंद सेकंड के अंदर वो पैसा लेता है, इंजेक्शन देता है और निकल जाता है। तो अगर ऐसा कोई दुकानदार भी अगर हमारे हफ्ते चढ़ेगा तो हम साफ तरीके से उनको ताकीद कर रहे हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी करेगी, लेकिन जनता इनका क्या हशर करेगी ये उनको समझ में आएगा। तो अभी भी हम आपको ताकीद कर रहे हैं कि अगर औरंगाबाद में कोई भी ऑक्सीजन हो, इंजेक्शंस हो, या एक दो हॉस्पिटल्स के बारे में भी हमको पता चला है कि हॉस्पिटल के भी मेडिकल स्टोर जो है वो ज्यादा दामों के अंदर ये चला रहे हैं, हम हॉस्पिटल फोड़ डालेंगे अगर आके, अगर हम किसी एक हॉस्पिटल के बारे में भी इस तरह की अगर खबर मिलती है तो। मुझे अफसोस है कि ये लोग पहले पुलिस के हाथ में चढ़े, अगर ये हमारे हाथ में चढ़ते तो यकीन मानिए इनका क्या हशर हम करते। मैंने खुद कहा था कि भरे चौराहे के ऊपर इनको पुलिस स्टेशन में ले जाके है तो केस करना एक अलग बात है, लेकिन पुलिस ने इनके कपड़े उतार के नंगा करके इनको सड़क के ऊपर दौड़ाना चाहिए, ये जो लोग पकड़े गए हैं, कि ऐसे वक्त के अंदर कि जब लोग मर रहे हैं और तुम है तो दो पैसा कमाने के लिए, सोचो अगर तुम्हारे घर में अगर कोई अगर ऐसा मरने के कगार के ऊपर आ गया तो तुम्हारे को अगर कोई ऐसे पैसों के अंदर बेच रहा है तो तुम्हारी क्या हालत रहेगी करके, ये समाज के अंदर ये जो है ये एक नासूर है, ये लोगों को जितना नंगा और जितना जलील किया जा सकता है। मैंने अभी पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि इनकी तस्वीरें हैं तो अभी अखबार में आई है कि जिनके चेहरे हम लोगों ने अपने तस्वीरें छुपाए हैं करके, मैंने कहा कि इनके चेहरे है तो बेनकाब करना, इनको बगैर मास्क के, बगैर दस्ती से अपना मुंह छुपाए हुए इनके चेहरे समाज ने देखना चाहिए कि कल ये जिस सड़क से गुजरे तो लोग इनको देखकर इनके ऊपर थूकना चाहिए करके। और बदनापुर से कोई लड़का पकड़ा गया है जो मुसलमान लड़का है, रमजान के महीने में अगर वो कर रहा है तो उसके घर के सामने लोगों ने जाके है तो उसे थूकना चाहिए, अगर वो इस तरह के कारोबार को अगर आज इस मुबारक महीने के अंदर ऐसी हरकतें अगर कर रहा है तो।